तो यार क्या हाल है एंड वेलकम टू अनदर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूं डीडी आपका यार। और अगर आप एक व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्रामर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या सिर्फ सिनेमाटोग्राफी करते हैं या वीडियोस लेना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो वीडियोज़ के लिए है, और वो है लाइटिंग। तो रात को अगर आप वीडियो शूट करते हैं और आपको लगता है कि लाइट अच्छी नहीं आ रही है, तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली पूरा देखना चाहिए। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पोर्टेबल लाइट के बारे में, जो कि एपेचर की तरफ से है। और जो लोग वीडियोग्राफी करते हैं, लाइट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको पता है कि जो एपेचर ब्रांड है वो कितना बड़ा ब्रांड है, स्पेशली इन लाइट्स। और इस लाइट का नाम है एमरान, और ये एक पोर्टेबल लाइट है जिसको आप माउंट कर सकते हैं अपने कैमरा पे या यूज़ कर सकते हैं व्लॉगिंग के टाइम पे। और पीछे आप देख सकते हैं लाइट की तस्वीर और अलग अलग यूज़ केसेस जहाँ पे इस लाइट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो बॉक्स में आपको मिलता है लाइट, डिफ्यूज़र, यूनिवर्सल अडैप्टर, USB चार्जिंग केबल, कैरिंग केस, प्रोडक्ट का मैनुअल और एक वारंटी कार्ड। तो आइए क्विकली इसको अनबॉक्स कर देते हैं। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ये कैरिंग पाउच, और इसका जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऊपर यहाँ पे एपेचर की ब्रांडिंग है, और यहाँ पे दो जिपर पाउच आपको मिलते हैं। पीछे आपको मिल जाता है ऐसा वाला एक बकल, जिसको आप प्रेस कर सकते हैं अपने बैग पे या अपने ट्राउजर पे, और कैरी कर सकते हैं ट्रैवल के टाइम पे। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है ये लाइट, और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है। इसके साथ साथ आपको मिलता है एक डिफ्यूज़र और एक जेल। इसके दूसरे पाउच में आपको देखने को मिलता है एक USB केबल, ये है USB-A टू माइक्रो USB। अगर ये USB-C होता तो थोड़ा सा अच्छा होता, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट वर्जन में आप USB-C एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली आपको देखने को मिलता है ये यूनिवर्सल माउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉट शू का माउंट है, इसको आप लगा सकते हैं अपने कैमरा पे और लाइट को जो है यहाँ पे फिट कर सकते हैं, और बड़ी ही आसानी से व्लॉगिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन या अपने कैमरा के साथ। अब बात करते हैं इस लाइट के बारे में। जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही लाइट वेट है, और इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है। सामने आपको मिलता है इसका डिफ्यूज़र, और पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अमरान लिखा गया है, और यहाँ पे है एपेचर की ब्रांडिंग। साइड में कुछ बटन्स दिए गए हैं, यहाँ पे है ऑन और ऑफ का बटन, इसके साथ ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज का बटन है, और इसके साथ साथ यहाँ पे है माइक्रो USB का पोर्ट, जिसकी मदद से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इस डिफ्यूज़र को आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको 9 LEDs मिल जाते हैं अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मैग्नेटिक है, तो आप इसको प्लेस कर सकते हैं इस लाइट के ऊपर, और ये ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाएगा। तो आइए इस लाइट को ऑन करते हैं और देखते हैं इसका ब्राइटनेस कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिनिमम ब्राइटनेस पे है, और हम प्लस बटन दबा के इसके ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे कि कहते हैं कि लाइट के बिना कुछ भी नज़र नहीं आता है, तो अगर हमें इस लाइट को टेस्ट करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। तो हम जाएंगे घर से बाहर और टेस्ट करेंगे इस लाइट को नाइट कंडीशंस में। तो गाइस, कुछ इस तरीके से इस लाइट की क्वालिटी आप देख सकते हैं। अब रात के कुछ 8:15 बज रहे हैं, और ऑब्वियसली पिच डार्क है, हमारे टेरेस पे कुछ लाइटिंग नहीं है। मैं दिखाऊंगा आपको कि लाइट कैसे है, मतलब बिल्कुल लाइट नहीं है। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसी पर्टिकुलर लाइट को, जो एपेचर का लाइट हमने अनबॉक्स किया था, और ऐसे इसकी क्वालिटी आ रही है। इनफैक्ट इसका जो ब्राइटनेस है, इसको भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं तो देख सकते हैं आपकी ब्राइटनेस आप ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ऐसे आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सेटअप आपको करना पड़ेगा पहले, कि अगर आपको सही तरीके से शॉट चाहिए। तो अब मैं लाइट को स्विच ऑफ कर देता हूं, ताकि आप देख सकते हैं कि कितना डार्क है यहां पे। तो अब लाइट ऑन है, क्विकली हम लाइट को ऑफ कर देते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे गायब हो जाऊंगा डार्कनेस में। तो ये अब लाइट बिल्कुल नहीं है, और ऑब्वियसली आई थिंक आप मुझे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो कैमरा का एपर्चर है वो भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। स्विच ऑन करिए लाइट को एक बार, और अब लाइट जो है ऑन हो गया है। वैसे जो ये माइक्रोफोन है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, ये DT का माइक्रोफोन है, लैवलियर माइक है ये, VLAV है इसका ब्रांड नेम। और इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है लास्ट वीक, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस लाइट को टेस्ट करते हैं हम iPhone 12 Pro के साथ, कि ये कैसे काम करता है। और अब जो वीडियो आप देख रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है मेरे iPhone 12 Pro पे, कंडीशंस वैसे ही हैं, बिल्कुल डार्क कंडीशंस हैं, और आई थिंक व्लॉगिंग के लिए बहुत सही सेटअप है। लाइट आपके सीधा फेस पे आ रहा है, फोकस आपका रहता है, एंड बहुत अच्छा लगता है। ऐसे डार्क कंडीशंस में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और अच्छे वीडियोस बना सकते हैं और एंटरटेन कर सकते हैं लोगों को। तो ऐसे कुछ क्वालिटी है इस लाइट की। अब देखते हैं कि इसको आप कैसे परचेज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। इस लाइट की जो ऑफिशियल प्राइसिंग है वो है 3990, और अगर आप खरीदना चाहते हैं इस लाइट को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
वहां जाके आप इसको खरीद सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और यार शेयर करते रहना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहां पे भी मैं ऐसे वाले वीडियोस लाते रहता हूँ। यहां तक आ गए हो तो यहाँ पे मेरे कुछ और वीडियोस हैं जिनको देख के आप कुछ नया सीख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, घंटी दबाना भूलना मत। आज का वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ, मैं आपसे मिलने आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।